हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्यूब ट्यूब का ये इसका मैं हैक्स का वीडियो लेके आई हूँ कि आप इसे किन किन तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हम इसका उपयोग ज़्यादातर अपना ईयर को, अपना कान को साफ करने के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊँगी कि आप इसको किन किन तरीक़ों से बहुत ही यूज घर के, मतलब जो रोज़मर्रा का काम होता है उसमें आप अपने पर्सनल जो मतलब ब्यूटी टाइप का जो वर्क होता है उसमें आप इसका यूज ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मतलब इसको आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल ऑल पर कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये जो है इसको आप लोगों ने बहुत से सुना भी होगा, या जल्द की मतलब कोई भी जैसे कि मेकअप हटाने के लिए, या फिर मान लीजिए कि काजल हटाना है या लिपस्टिक हटाना है, इसको आपको मिसलर वाटर में डुबो कर यूज करना है। कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसे मिसलर वाटर में डुबो कर यूज करें। बस आपको क्या करना है कि इसे लेना है, अगर मान के चलिए कि बहुत बार ऐसा होता है जब हम रेडी हो जाते हैं, आई मेकअप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मस्कारा लगाते हैं, ठीक है। तो मस्कारा जब लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ऐसे लगाते हैं तो कभी नीचे लग जाता है, कभी ऊपर लग जाता है, ऐसी गलतियाँ तो बहुत बार होती है। लेकिन जब आप मिसलर वाटर में इसको डुबाएंगे तो वो क्या होगा कि आपने जो आई मेकअप किया वो हट जाएगी। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ये क्यूब ट्यूब लेना है। जहाँ भी आपको लगा है ऐसे करके आप हटा के एक बार देखें कितनी आसानी से हट जाएगी। देखिए, मैं आपको काजल हटा के दिखाते हैं, देखिए कितनी आसानी से, अगर मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, आपको काजल बिखर गई, आपको सेप में लाना है, देखिए कितनी अच्छे से निकल गई। देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ ये क्यूब ट्यूब बहुत मतलब बहुत काम की चीज़ है ये, कि आप इससे सिर्फ इसी से आप ना हटा सकते हैं। इस बात देखते मैं बताती हूँ, कभी कभी मेरी लिपस्टिक भी सेप में नहीं आती है, तो आप चाहे तो इससे लिपस्टिक का भी अपना सेप में ला सकते हैं। फिर देखिए, जैसे हम लोग सिंदूर लगाते हैं तो आप जब सूखे वाला सिंदूर लगाएंगे तो इधर उधर फैल जाते हैं, तो लोग लिक्विड सिंदूर लगाना पसंद करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं होता है, तो आप क्या करें, सिंपल तरीके से पानी में डुबो के अपने सिंदूर की डिब्बी में लगा के अपना ऐसे सिंदूर लगा लें। और फिर मान लीजिए इससे आप चाहे तो सेप भी दे सकते हैं, अलग अलग तरह का आप सेप भी इससे दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छी हैक्स है, रोज़मर्रा में काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको आप तक वीडियो पहुंचा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर देखिए, मैं आपका इसका और एक बताती हूँ, हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं तो साइड से इधर उधर निकल जाता है, अक्सर ऐसा होता ही है कि थोड़ा बहुत निकल जाता है। बस कुछ नहीं, जैसे ही आप इसको लगा लें साइड से ऐसे 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 करके साफ कर लें नेल पॉलिश दोनों तरफ से, और बिल्कुल सेप में आ जाएगी और बहुत अच्छे से नेल पॉलिश आपकी लगेगी। मतलब तो बहुत ही यूनिक हैक्स है जिससे आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लेंस जो हम लोग लगाते हैं आँखों में, मैंने तो भी लगाया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना है और ऐसे करके इससे भी आप अपना लेंस को ऐसे सेट कर सकते हैं, जैसे इधर उधर हो जाता है लेंस, तो आराम से आप लेंस को सेट कर सकते हैं। दूसरा मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारी आँखें ऐसे जब खुजली होती है तो हम मिसते हैं, हमारे आँखों का पलके टूट के आँखों के अंदर चली जाती है, तो उसको निकालने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये मददगार है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उसको कैसे निकालें, कैसे फूके मारते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये बहुत ही आसान है। बस जहाँ जाएगी बस आपको ऐसे करके जहाँ पे भी हेयर हो ऐसे ऐसे करके निकाल लेना है आपको। बहुत ही मतलब इतना यूजफुल ये चीज़ें हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और इससे तरह तरह का आप अपना हैक्स अपनाएं और अपना ज़िंदगी को आसान बनाएं।